हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूं गौतम कुमार सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल लॉक सेशन। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा क्या वो इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर CSE, जो कि VLE के लिए मैंडेटरी है। दोस्तों, जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी है। आपको CSE के तहत आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 5 लाख रुपये का लोन उद्यम के तहत आपको मिल सकता है, बहुत ही आसान से और आसान से तरीकों से। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, वो आज हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और बताएंगे, ठीक है। तो मैं हूँ गौतम कुमार सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्क CSE। तो चलिए हम वीडियो पर स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसमें उद्यम ज्योति का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ऐसा है ना दोस्तों, हम आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिखा रहे हैं, डेमो के रूप में। हम पहले से इस पे रजिस्टर्ड है, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। और रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है और वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। सिर्फ ये उन्हीं के लिए है और VLE के लिए बहुत ही मैंडेटरी है ये दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको उद्यम के पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल खुल गया और इसमें हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों ऐसा है ना, तो ये जो सर्विस दिया गया VLE भाइयों के लिए, ये 5 लाख रुपये का लोन के तौर पे है। आप उद्यम MSME पे रजिस्ट्रेशन करके आप उद्यम के तहत आप लोन ले सकते हैं। और मैंडेटरी क्या है वो हम यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन में हम आपको यहाँ पे और एक दिखा देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर LVLE। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन VLE करना एकदम मैंडेटरी है और वो उनको हर हाल में करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस सर्विस के तहत बहुत ही अच्छा सर्विस है और इसमें आप खुद का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और अदर कस्टमर का भी कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें उन्हीं का होगा जिनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर साथ में लिंक होना, उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर इस उद्यम में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है। ये वीडियो इसलिए हम दोस्तों आपको जानकारी देते हैं कि हमने बहुत दिन पहले उद्यम में रजिस्ट्रेशन अपना खुद का किए थे, जिसमें हमें क्षेत्रीय बैंक इलाहाबाद बैंक से हमें 5 लाख का लोन मिला हुआ था, ठीक है। तो आप भी, हम आशा करते हैं आप भी रजिस्ट्रेशन कीजिए और इससे लोन लेकर के अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे सर्च बॉक्स में आ जाना और लिख देना है UDYA उद्यम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन का ये खुल गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगला प्रोसेस पे आपको ये लेकर के चला जाएगा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू इंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट MSME, ठीक है। यानी जो पहली बार इस पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है उन्हीं के लिए है ये, और जो पहले से कर लिया गया है उनके लिए ये बिल्कुल है नहीं, ठीक है। तो हम पहले जो किए हुए, हम आपको थोड़ा सा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के मार्फत से कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लीज लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट क्लिक द बिलो बटन। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम डिजिटल सेवा से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, खुल है मेरा पोर्टल ये। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पोर्टल ये खुल चुका है। अगला प्रोसेस क्या है और इसमें हम इस स्टेप के बाद मात्र एक स्टेप और आपको बताएंगे और उसके आगे हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम पहले से इस पे रजिस्टर्ड है और जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमें ऑलरेडी रजिस्टर ऐसा शो करेगा, हम आपको वो भी दिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बता दें दोस्तों, इसमें उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर और क्या है आधार नंबर से लिंक होना बहुत ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्पष्ट रूप से यहाँ पे भी लिखा गया हुआ हिंदी और इंग्लिश में, मैं आधार धारक किस प्रकार उद्यम पंजीकरण के लिए UIDAI के साथ अपने आधार संख्या का उपयोग करने के लिए सुख मध्य यानी
ये जो सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय है, भारत सरकार सरकार को अपनी सहमति देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, और यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। ठीक है, तो आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डाल लेना, उसके बाद यहाँ पे उद्यम का नाम डाल लेना। ठीक है, जो भी नाम हो अपना डाल लीजिएगा, यहाँ पे नाम डाल लिए, उसके बाद यहाँ पे OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते दोस्तों OTP का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, और मेरे पास OTP भी आ जाना चाहिए, आ गया। ठीक है, OTP डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दे। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों क्योंकि हम पहले से रजिस्टर्ड, ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख करके आ गया। ठीक है, योर आधार हैज़ बीन वेरीफाई कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करना क्या है, ये प्रोसेस खुलने के बाद आपको यहाँ पे संगठन के प्रकार चुन लेना है। ठीक है, प्रकार चुनना क्या, जैसे कि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में एकल है तो एकल स्वाभिमान, हिंदू अभिमान, यानी कि इसमें बहुत सारा ऐसा है, स्वयं सहायता समूह है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अन्य है, तो अदर पे भी आप चोज कर सकते हैं। यहाँ पे पैन नंबर डाल देना। ठीक है, मैं आपको डाल देता हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख करके आया, यू उद्योग आधार मेमोरियम UM हैज़ ऑलरेडी डन योर दिस पैन टू माइंडेड टू योर उद्यम आधार UM टू उद्यम रजिस्ट्री। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे हम अपने पोर्टल पर उद्यम पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन करके उसमें अप्लीकेशन में जो भी बदलाव करना है कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरा होगा नहीं, इसलिए हम क्योंकि पहले से कर करके बैठे हुए। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही हम आपको बताना चाह रहे थे और दिखाना चाह रहे थे, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अब आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। इतना करके वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं डिजिटल वर्क CSC। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।